नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर। प्रदेश में मौसम की जो स्थितियां हैं, अब जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि लौटती हुई मॉनसून जो है उसमें जो है बिहार में बारिश होने की संभावना है। और हम पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, या हम कहें कि प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश जैसे आसार हैं। अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की, तो सबसे कम बारिश जो है दक्षिण बिहार में ही देखने को मिला था। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें दक्षिण बिहार में बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। धान की फसलों को लेकर कई तरह की बातें कहेंगे कि खराब हो जाएगी, लेकिन ये एक सच्चाई है कि क्योंकि शुरुआती समय में, बरसात के शुरुआती समय में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण धान की बहुत कम रोपाई हो पाई है। लेकिन अब जो फसलें, धान की फसल जो रोपी जा चुकी थी, उसमें जो है अब एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। तापमान में भी कमी देखने को मिली, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही थी, उसमें जो है अब राहत मिली है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो है अगले 2 से 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। खास करके मौसम विभाग ने जो है पटना जिले को लेकर अलर्ट जारी किया है, और राजधानी पटना में अभी उमस और गर्मी सुबह से थी, लोगों को अब जो है राहत मिली है, क्योंकि तेज बारिश और हवा के साथ जो है बारिश चल रही है, जिससे तापमान में भी कमी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने इस दौरान जो है पहले येलो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद अब जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है, और साथ ही साथ लोगों को कहा है कि इस दौरान जो है वो सुरक्षित रहें और खुले आसमान में न रहें। हम पहले भी आपको जितने भी वीडियो है उसमें इस दौरान हम बताते रहे हैं कि बारिश जैसी स्थितियां जब उत्पन्न हो, तो उस दौरान जो है आप पक्के मकान में रहें, ऊंचे पेड़ के नीचे ना जाएं। और खासकर अगर आपको लग रहा है कि अभी बारिश हो सकती है, आप खुले में हैं, तो आप जो है किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पे आपकी बचने की संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उसमें वज्रपात से कई लोगों की जान गई है। तो ऐसे में जो है लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खास करके पेड़ के नीचे जो है इस दौरान ना रुके। बिजली के खंभों के आसपास जो है नहीं रहने की सलाह दी गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि आप जो है मौसम को देखते हुए खेतों में जाएं, ताकि जो है लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस दौरान जो है राजधानी पटना के साथ साथ पटना के आसपास के जिलों में भी जो है बारिश हो रही है, और अगले 2 से 3 घंटे तक प्रदेश के कई अन्य जिलों में जो है बारिश की संभावना जो है वो जताई जा चुकी है। अगर हम अगले स्लाइड में देखें, तो यहाँ पे जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इसमें जो है औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, इन जिलों में जो है अगले 2 से 3 घंटों में बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ पे जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों को जो कहा गया है कि आप जो है इन स्थानों पे भी जो है सुरक्षित रहें, सावधान रहने का जिक्र किया गया है। पेड़ों पे के आसपास रहने का भी यहाँ पे भी जो है जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप इन स्थानों पे ना जाएं, यानी कि खुले में ना रहें। ये साफ तौर पे जो है मौसम विभाग ने जो है हिदायत दे रखी है बारिश के दौरान को लेकर। आगे हम मौसम की स्थितियों को अगर हम देखें, तो आगे किस तरह की स्थितियाँ रह सकती है इसका अगर हम जिक्र करें, तो इसमें जो है पिछले 24 घंटे में प्रदेश में किस तरह स्थितियां रही बारिश को लेकर, वो अपडेट एक तरह से कह लें कि ये जारी किया गया है। ये अगर हम लाल वाला पूरा इलाका देखें, तो ये जो है इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जो है वो देखी गई है, और ये जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और ये बांका का इलाका है। अगर हम इन नक्शों में जो देख लें, तो ये जो व्हाइट का पूरा जो इलाका है, इन इलाकों में जो है पिछले दिनों कम बारिश देखी गई है, इसलिए जो है इन इलाकों में वाइट जैसे निशान है। इसमें जो है कई अलग अलग स्थितियां जो है इन इलाकों में उत्पन्न होती रही। जहाँ जहाँ येलो की स्थिति है, यहाँ पे जो है बारिश को लेकर जो है स्थितियाँ रही है। इन इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश जो है हुई है, ताकि इन इलाकों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया, और उसी हिसाब से जो है इन इलाकों में बारिश हुई है। अररिया में देख लें, यहाँ भी जो है बारिश जैसे हालात रहे। उसके बाद सिवान, सारण, कैमूर, जमुई, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये जो इलाका है, इन इलाकों में जो है मानसून की इन्हीं इलाकों से एंट्री होती है, और इन्हीं इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है देखने को मिलता है। और इन इलाकों में नेपाल का ये पूरा इलाका है, इन इलाकों से जो है तराई वाले इलाकों से जो है बारिश होती है, और यहाँ से जो है पानी का प्रवाह देखने को मिलता है, जिसमें कि कोसी नदी जो है वो बाद में आकर गंडक, बूढ़ी गंडक और गंगा में आकर मिलती है, जिसके बाद से जो है नदियों के जलस्तर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये जो पूरा इलाका है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार का, इन इलाकों में जो है सब पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। अगर हम मानसून के शुरुआत के समय को देख लें, तो इन इलाकों में कहा जाता है कि पूर्णिया का ये जो पूरा इलाका है, इन इलाकों में जो है
मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब जब मानसून लौट रही है तो लौटते मानसून में भी जो है इन इलाकों में बारिश देखी गई। पूरे प्रदेश में जब बारिश की शुरुआत हुई तो उस दौरान भी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। अगर हम अगले स्थिति को देखें तो इसमें जो है ये आज से लेकर कल तक यानी कि 26 और 27 को लेकर जो है एक अपडेट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इन इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। ग्रीन वाला जो इलाका है इनमें जो है वार्निंग की स्थिति है कि इन इलाकों में जो है बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये देख लें कि ये पूरा जो ईस्ट चंपारण का इलाका है यहाँ पे बारिश को लेकर पूरी तरीके से संभावना जताई गई है। लेकिन वेस्ट चंपारण, जो पश्चिम चंपारण है, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज, इन इलाकों में जो है बाढ़ की स्थिति में है मौसम विभाग की। यहाँ बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको हम दो अलग अलग हिस्सों में ऐसे हम देख सकते हैं कि इन इलाकों में जो है बारिश कम स्थिति है होने की। लेकिन जो दक्षिण का जो इलाका है, दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है जहाँ पे पूरे मानसून के दौरान सबसे कम बारिश देखने को मिली थी, इन इलाकों में जो है इस बार बारिश की संभावना जो है अगले 2 दिनों तक दिखाई गई है, जिसमें कि बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, इन इलाकों में जो है एक तरह से कहने की मौसम विभाग ने भी कहा और उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कहा कि इन इलाकों में जो जल स्तर में जो है भारी कमी देखने को मिली है। तो इन इलाकों में अगर बारिश होती है तो किसानों को भी तो राहत मिलेगी, साथ ही साथ लोगों के जल स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, जिसका हमने पहले जिक्र किया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, किशनगंज, शेखपुरा, जमुई और बांका, इन इलाकों में भी जो है बारिश जैसे हालात की संभावना जताई गई है। भागलपुर का इलाका जो है गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद से इन इलाकों में जो है एक तरह से लेकिन गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया था, उसके बाद तटीय इलाकों में लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा था। तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि राजधानी पटना में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जो हिस्से देख रहे हैं इसमें जो है ऊपर का जो हिस्सा है इनमें जो है अभी बारिश की स्थिति है, लेकिन दक्षिण का जो इलाका है, नीचे का जो इलाका है, इन इलाकों में आज से कल तक येलो अलर्ट जारी है और बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ये थे प्रदेश में मौसम से लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।